सरकार सुरक्षा के दृष्टि से जिले से बाहर जेलों में रखती है, उसी कड़ी में सरकार दूसरे जेल में शिफ्ट किया होगा। अब ऐसा कुछ है नहीं। तो क्या लगता है कोई इनकाउंटर की जो बात कह रहे हैं? नहीं नहीं, ये फिर झूठ है, अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या लगता है क्यों इस तरह की अफवाहें हुआ? ये नेता लोगों का अपना बयान है जनता में चर्चा में बने रहने के लिए, और कुछ है नहीं। इसके साथ ही गठबंधन जो है इंडिया का, उसमें लगातार दरारें मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वही कांग्रेस के नेता को चुरचुर कहते हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमने सीटों के बंटवारे को लेकर के कई भी बात करे। वो कमलनाथ कह रहे हैं कि अखिलेश की बात नहीं करिए। देखिए, ये नेता लोग हैं भैया, नेता नगरी है, और गठबंधन लोग करते हैं। ये गठबंधन चलने वाला नहीं है, सच तो यही है। उसका कारण है न चलने का कि अलग अलग विचारों के लोग इकट्ठा हुए हैं और सब लोग परेशान हैं। सबको सीटों की बड़ी ख्वाहिश है कि हम सब सीटियां हम ही लड़ें, इससे यही वजह है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने भी ये बात कही कि 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाना देश में सबसे बड़ी देशभक्ति है। उन्हें 2014 से 19 में ऐतिहासिक बहुमत मिला था, अगर वो चाहते हो देश में जबरदस्त प्रगति कर सकते थे, लेकिन असफल है। अब लगते तो हैं, वो भी तो विपक्षी एकता में है, तो रोक कौन रहा है? कोई रोक तो रहा नहीं है। ये लोग परेशान खाली हैं। जो गोलबंदी है ये कोई सफल गोलबंदी नहीं है। अलग अलग स्टेटों में अलग अलग लड़ने वाले लोग हैं, उससे कुछ होना नहीं है। 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी 330 प्लस सीट जीत के चुनाव पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। के लोग परेशान इस बात को लेके हैं कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में बड़े पैमाने पर दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, घर से लोग नहीं निकल पाते थे। तो चिंता इस बात की है विपक्षियों की, कर्फ्यू क्यों नहीं लग रहा है, दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं। दंगे नहीं होंगे, कर्फ्यू नहीं होगा तो हमको वोट नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहेगी कांग्रेस मजबूत हो। समाजवादी पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत बनी रहे ताकि मुसलमान गुमराह होकर के नफरत में हमारे साथ खड़े रहें। इस नाते समाजवादी पार्टी के हर जवान पे, अभी आपने देखा ना कि सीट वाले मामले पर चट कांग्रेस उंगली उठा दिया ना कि बीजेपी के सहयोगी हैं। आप ये बात जब बीजेपी के सहयोगी हैं तो समझौता क्यों किए हो भाई? जब सब लोग बीजेपी के सहयोगी हैं तो आप भी तो सहयोगी हो। 89 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बने थे, भूल गए का ये? कौन पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग नहीं लिया? चाहे ममता जी रेल मंत्री बनी, चाहे नीतीश जी बने रेल मंत्री, चाहे उद्धव ठाकरे जी सरकार में थे, ये कौन बचा हुआ है? ये सिर्फ नेता लोग हैं भैया। ये नेता लोग का बोलते हैं, का करते हैं, वही लोग जानते हैं। अरे हम तो फकीर आदमी, हिंदुस्तानी इस्लाम, मुझे बहुत दुख होता। खत्म, बाय बाय। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री।